नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानू आपण प्रिय ओडिया कुकिंग चैनल खाना रोजाना को स्वागत करुच्छी। आज आपण मानी खाना रोजाना किचन ने नहीं आसी पोस्त दि आलु पटल टेस्टी तरकारी। तेज डेरी नक आसतु प्रस्तुत करने आज ये टेस्टी तरकारी। प्रथम मुझे कड़ई में 3-4 टी स्पून तेल नहीं जा तापर ये मुझे पोटल को भाजवाप नहीं जाऊँगी। मुझे आगुरी पोटल को यही सेप्रे काटी और भल से धोई नहीं पोटल भाजवाप मुझे हाफ टी स्पून लुण नौ सहित ही हाफ टी स्पून हलदी नौपरी भाव में मिक्स करके मुझे भल से भाजने जमी पोटल आमर भल से सीझीज पोटल आमर जिते भल सीझे आ भल भाजीब तरकारी तार टेस्ट से भल आए। एवं 10-15 मिनिट पर्यंत आम चल चले यहीपर भाव में ही भल से भाजने मुझे गोटे के जी पोटल यूज करती क्वांटिटी करेंगे से अनुसार कम बेसी करें। देखूँ 10 मिनिट पर मोर पोटल पूरा भलसे सीझीगला भाजी भी होगला। एवं चलतु यार तरकारी प्रस्तुत करवा। मुझे प्रथम कड़ाई में 3 टी स्पून रिफाइंड तेल नहीं जाऊँगी आ तेल सामान्य गरम हो सारापर ही से गोटे टी स्पून चीनी आड कर आउ कैरमलाइज होकर भाव में कुक होगा पर्यटन देदे जहाँफल कि कलर एमती चेंज हो देख तार पूरा गोल्डन ब्राउन कलर आसीगला। मुझे से काटिक रखी पिज को नहीं जाऊँ सहित ही दुईट तेजपत्र को भी देदे एवं भल से ये पिज को भाजवा पर्यटन कुकर ना एवं मुझे से गोटे टी स्पून हलदी पाउडर देदे ताकु भी यहपर भाव में मिक्स करके टिके भाजी नौ से ही चॉप कर रखी गोटे टमाटो को आड कर मसला टिके सुखा आसला से मुझे पानी आड कर सहित ही सामान्य लुण दूचे जहाँफल कि टमाटो आम शीघ्र सीझीजी। एवं से मुझ कलर आसवाप 2 टी स्पून पखापाखि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं तरकारी कलर बहुत भल आसी था। देखो मुझे पकेबा मात्र ही सांगे सांगे के सुंदर कलर आसी मुझे मसला बटा नहीं जाऊँगी। मुझे मसला बटा गोटे कप करके आगुरी ही रखी थी। मसला बटारे मुझे 5-6 प्याज आसत ही 2 रसुण आ गोटे बड़ साइज अदा को बाटि नहीं एबे ये मसला को ही आम 5-7 मिनिट भलसे कुक करना जमी तार कंचा स्मेल पलिबे स्वाद अनुसार लुण नहीं जावा। मुझे 1.5 टी स्पून लुण नहीं स्वाद अनुसार लुण कम बेसी करेंगे। एवं मुझे जो पोस्त बटा करके आगुरी रखी थी ताको आड कर गोटे कप पोस्त बटा नहीं जाइए पोस्त को मुझे आगुरी भलसे फाइनली पेस्ट कर नहीं 5-7 मिनिट यहपरी कुक करना जमी पोस्तर भी कंचा स्मेल चल जीव मसला जी आम भलसे कषी हेब तरकारी तार टेस्ट से भल आए। एवं देखो तो मसला मोर पखापाखि 80% भलसे कुक होगला तार कलर भी केते भल आसीगला। एवं देखो तो मसला मोर ये सुखा सुखा हो जाए मुझे सामान्य पा आड करके मिक्स कर नौले मसला तलू लगे तरकारी तार टेस्ट जमा भल आसबनी। एबे देखो एबे ये आम मसला पूरा प्रस्तुत हो गलानी। मुझे कसूरी मेथी को क्रश करके नहीं जाऊँगी। वीडियो टी को शेष पर्यंत निश्चय देखु। भल लगे आम चैनल को निश्चय लाइक करूँ फ्रेंड सर्कल ने निश्चय शेयर करूँ चैनल नुआ थे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को प्रेस करने को जमा भी भूल। एवं मुझे शुखिला मसला आड कर मुझे 3 टी स्पून पखापाखि करी पाउडर दे दूँ आ सहित ही 3 टी स्पून गरम मसला भी देदे से सब को भलसे मिक्स करके आउट कुक करना। एवं ये आम पूरा पूरी मसला प्रस्तुत हो जाए आगुरी आलू को सीझे रखी थी ताको छोटो छोटो पीस रे काटी नहीं जाऊँगी। मुझे 3 टी आलू यूज कर सहित देखो जो पोटल को भाजिकी रखी थी से पोटल को भी नहीं जाइए। एवं मसलार आम गोटे 2 मिनिट पर्यंत आलू पोटल को यहपर कषि ना आपर ही जी झोल आप चाहूबे से अनुसार पा आड करे मुझे पा आड कर मिक्स करके भलसे फुटाप छाड़ीदे आपन निश्चय थे यही प्रोसेस तरकारी को प्रस्तुत करूँ। पोटल खावाक जब भल न लगुले भी यही प्रोसेस आप तरकारी को प्रस्तुत करेंगे निश्चय खावाक पसंद करेंगे। ये 5-7 मिनिट पर आम देख तरकारी पूरा भलसे फुटला आ मुझे ये तरकारी झोल टिके पतला रखी कारण जेहेतु मुझे पोस्त दे किसी समय पर आम तरकारी ग्रेवी ठीक हो।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ପୋସ୍ତ ଦିଆ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟଥରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏହି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।